हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं अबाउट ऑप्शन स्ट्रेटजी फॉर 14th अगस्त टू 17th अगस्त, इवन ये 31st अगस्त के लिए। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज गोइंग टू फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है। सो बात करते हैं ऑप्शन स्ट्रेटजी की। ऑप्शन स्ट्रेटजी में करना क्या है, देखो अभी निफ्टी की बात करूँ तो निफ्टी में सपोर्ट है 19300, ठीक है, और रेजिस्टेंस जो मेन है वो 650, ठीक है। 650 अगर टूटेगा तो फिर एक बुलिश मूवमेंट आपको दिखेगा, और 300 टूटेगा तो बियरिश मूवमेंट आपको दिखेगा। बियरिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि 18880 या 900 का लेवल टच कर सकता है, और बुलिश मूवमेंट की एक्सपेक्टेशन क्या है कि बुलिश मूवमेंट अगर हुआ तो फिर ये 20,000 क्रॉस करेगा। ठीक है, तो अगर या तो बियरिश मूवमेंट होगा या बुलिश मूवमेंट होगा, तो हम ये दोनों लेके ही चल रहे हैं कि हाँ, या तो इस साइड मूवमेंट हुआ तो यहाँ तक जाएगा 19,000 तक तो एटलीस्ट जाएगा, और ऊपर मूवमेंट हुआ तो 20,000 तक एटलीस्ट जाएगा। ठीक है, हो सकता है नहीं जाए, बट हाँ एक्सपेक्टेशन यही है। अब बात कर लेते हैं हम क्या करेंगे। हम यहाँ पर अगर बात करें तो 19,200 पी को बाई करेंगे। ठीक है, अगर हम बियरिश हैं, अगर हमें लग रहा है कि मार्केट नीचे टूटेगा तो हम 19,200 को बाय करेंगे और 19,000 पी को सेल करेंगे। टोटल मैक्सिमम लॉस अगर एक लोट की बात करूँ निफ्टी में तो 1400 रुपये के अराउंड एक लोट पे लॉस रहेगा, और अगर बेनिफिट हुआ, अगर ये वर्क किया यानी मार्केट ने अपना लेवल तोड़ा, तो टोटल 2% का मूवमेंट चाहिए आपको। और कब तक के लिए चाहिए, 31 अगस्त तक के लिए। ठीक है, तो काफ़ी टाइम है केवल 2% 3% के मूवमेंट के लिए। ठीक है, और अगर ये हुआ तो आपका बेनिफिट कितना होगा, 8,500, और मैक्सिमम लॉस अगर नहीं हुआ ऊपर गया तो एक लोट पे 1400 रुपये का लॉस रहेगा। अब यहाँ रिस्क टू रिवॉर्ड हमारा जो निकल के आ रहा है 1:6 निकल के आ रहा है, और अगर 19,300 टूटा तो 19,171 के नीचे हमारा बेनिफिट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 19,000 पे गया तो फिर आपका बेनिफिट काफ़ी अच्छा होगा, रिस्क काफ़ी कम है और रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा है। टोटल मार्जिन इसमें 20,000 दिखा रखा है, बट हाँ थोड़ा बहुत ऑप्स्ट्रा में गलत हो सकता है। लॉस और बेनिफिट मैक्सिमम यही रहेंगे, इससे ज़्यादा नहीं होगा, इससे लॉस भी ज़्यादा नहीं होगा, बेनिफिट भी ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, ये फिक्स है क्योंकि दोनों सेम एक्सपायरी है, 31 का। ये भी 19,000 की जगह ये अराउंड 30,000 या 25,000 में ये आप ज़ेरोधा पे कर सकते हो या किसी पे भी कर सकते हो। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड और ये चीज़ें हमें क्लियर हैं। ग्राफ जो बन के आ रहा है दैट इज़ कि हाँ यार, इसके नीचे आपका ये लॉस होगा 1400 रुपये, और इसके ऊपर अगर गया ठीक है तो आपका ये बेनिफिट होगा। ठीक है, तो अब यही देखना है कि अगर हम बियरिश हैं, हमें लगता है टूटेगा, तो हम एक सेफ स्ट्रेटजी बना के छोड़ दें, उतना ही रिस्क लें जितना हम कैपेबल हैं। ठीक है, यानी 1400 पॉइंट का रिस्क है। अब ये नहीं हम 20 लोट उठा लें, हम जितना लॉस लेने को तैयार हैं उतना ही। यानी अगर हम जनरली मैं ये सोचूं कि यार ये मैं 15 दिन के लिए बना रहा हूँ, और 15 दिन में मैं मैक्सिमम लॉस अगर मान लो 14,000 ले सकता हूँ तो 10 लोट लूँ, अगर मैं 1400 ले सकता हूँ तो एक लोट लूँ। लॉस फिक्स कर लेना, बेनिफिट तो अपने आप हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम बियरिश हैं तो हम इस टाइप की स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं, बट हाँ इसमें क्वांटिटी आप फिक्स रखोगे तो फिर आपकी साइकोलॉजी ख़राब नहीं होगी। क्वांटिटी आप डिसबैलेंस रखोगे, यानी आप बेनिफिट साइड देखोगे कि यार इतना बेनिफिट होगा और मैं 20 लोट ले लूँ। आपको ये देखना है कि ये 1400 का लॉस है, 1450 का, तो मैं कितना लॉस ले सकता हूँ, उतने लोट में मैं ये स्ट्रेटजी अप्लाई कर सकता हूँ। ठीक है, सेकेंड अगर मार्केट मान लो बुलिश हो गया तो फिर क्या करेंगे। ओके, अगर मार्केट मान लो बुलिश हो गया, सॉरी ये डिस्टर्बेंस के लिए, मार्केट मान लो बुलिश हो गया तो फिर आप किस स्ट्रेटजी को यूज़ कर सकते हो। आप ये स्ट्रेटजी लगा सकते हो कि यार 19650 टूटेगा और मार्केट फिर ऊपर के रैली स्टार्ट करेगा, तो 650 जब टूटेगा तो हम 750 का सी बाय कर रहे हैं और 20,000 का सी सेल कर रहे हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम लॉस मेरा 2100 रुपये होगा और मैक्सिमम बेनिफिट मेरा 10,300 होगा। ये क्यों सेलेक्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि यहाँ तक की एक्सपेक्टेशन है। ठीक है, अगर लोअर हाई लोअर लो सॉरी हायर हाई हायर लो वाला प्रोसेस चलता रहा तो
तो आपके 1990 तक टच करके आया था, उसके ऊपर जाने की पॉसिबिलिटीज रहेंगी। ठीक है, टाइम अभी काफ़ी है, 3 वीक हैं, तो काफ़ी अच्छा आपका रिस्क टू रिवॉर्ड बन रहा है और काफ़ी चांसेस भी रहेंगे कि हाँ ये पॉसिबल हो। नहीं हुआ तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि यार हमारा लोट साइज़ फिक्स होने चाहिए। यहाँ पर अगर मैं देखूँ ये भी 20,000 के अराउंड मार्जिन दिखा रहा है, तो 25 से 30,000 के बीच में ये एक लोट बनेगा आपका। ठीक है, रिस्क के हिसाब से आपको रिवॉर्ड के हिसाब से स्ट्रेटजी नहीं बनानी होती, आपको रिस्क के हिसाब से स्ट्रेटजी बनानी होती। रिस्क टू रिवॉर्ड देखूँ, इसमें 1:5 बन रहा है, उसमें 1:6 बन रहा है। ठीक है, अब इसमें ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ आपका जो बन के आएगा वो इस टाइप से आएगा कि इसके नीचे आपका लॉस होगा और इसके ऊपर बेनिफिट होगा। क्या ये वहाँ जाने के बाद ही बेनिफिट देगा? नहीं, अगर बेरिशनेस हुई तो जैसे जैसे नीचे जाएगा थोड़ा थोड़ा बेनिफिट बढ़ने लग जाएगा, है ना। अब आप कहाँ तक बुक कर सकते हो, जितना आपका रिस्क है, यानी 2,000 रुपये का इसमें रिस्क है, तो एटलीस्ट 2,000 जितना रिस्क है उतना तो लेके निकलो, अदरवाइज नहीं निकलो तभी निकलना। मिनिमम 2,000 लेके या 2100 जो भी रिस्क है उतना लेके तो आपको निकलना। इस टाइप की स्ट्रेटजी में ये वर्क तो हमें करना था कि एक बार हमें 2100 मिल गया तो अगली बार 2100 का रिस्क लेके हम 10,000 के लिए प्ले कर सकें। ठीक है, तो अब आपका जो भी व्यू है कि हाँ यार बुलिश होगा बियरिश होगा, आधों का बुलिश का व्यू होगा आधों का बियरिश का होगा, तो उस हिसाब से वो स्ट्रेटजी बिल्ड कर सकते हैं इन निफ्टी। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।